हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज की न्यूज़ थंबनेल देख करके आप चैनल पर आए हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और जानने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो इस शिक्षक भर्ती में आपको लगातार बहुत सारी न्यूज़ मिल रही होंगी, 75,000 पद, 51,000 पद, 94,000 पद, 91,000 पद, ऐसे करके बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं। ये कब तक क्या सीन बनने वाला है, कितनी सारी, कल की न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी कटिंग्स थी, है ना। तो कब तक क्या सीन बनने वाला है, सिर्फ दो बातें बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ। आप ये मान लीजिए नवंबर से पहले कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ पहले नहीं आ सकती, नवंबर, अक्टूबर नवंबर से पहले कुछ नहीं आने वाला। और ये भी हो सकता है कि यूपी टेट जो दूसरा वाला आने वाला है वो कराने के बाद ही शिक्षक भर्ती कराई जाए। तो आप समझ सकते होंगे कि अभी जुलाई, अभी हुआ है एग्ज़ाम, फिर जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये होगा। तो छोटी छोटी बातें करते हैं, ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो नवंबर से पहले कोई भर्ती नहीं आने वाली है शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करता हूँ, ठीक है ना। फिर आते हैं सर जीआईसी का रिज़ल्ट। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जीआईसी का रिज़ल्ट आपका मई लास्ट वीक तक आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। दूसरी बात ये है कि आश्रम पद्धति का रिज़ल्ट भी साथ में आएगा, हो सकता है कि आश्रम पद्धति का रिज़ल्ट भी साथ में ही आ जाए, 7-8 दिन के गैप में आ जाए, ठीक है। दो चीज़ें एपीआर को है। सर नई भर्ती कब आएगी, टीजीटी की नई भर्ती कब आएगी? तो ये भर्ती भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ में ही आएगी, और अगर ये भर्ती पहले आ गई तो शिक्षक भर्ती फिर आगे खिसक जाएगी, ये भी आप समझ लीजिए। तो आप ये मनाइए कि सबसे पहले आपकी शिक्षक भर्ती आ जाए, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी आ जाए, ठीक है ना। सर केवीएस का नया विज्ञापन कब आएगा? तो सारे नए विज्ञापन 2018 से केवीएस ने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली, कोविड के बाद केवीएस में कोई भी एक नई वैकेंसी नहीं आई है। सोचिए कितनी, मतलब क्या चल रहा है आजकल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये मान लीजिए, जितना कि पहले भी खबरें उड़ी थी कि मार्च तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, पर मार्च से तो अप्रैल हो गया, पर अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये सोचा जा रहा है कि हाँ हो सकता है कि जुलाई लास्ट में आपका ये विज्ञापन दिया जाए और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए, एग्ज़ाम कराने के बाद में मई तक आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाए। तो सारी बातों का अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन यही है कि आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है, लगातार। जैसे ही देखिए, अभी जीआईसी के कुछ लोगों से बात करी थी मैंने, जो अभी वहाँ पर लेक्चरर हैं, जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, एक प्रिंसिपल सर है, उनसे बात हो रही थी। तो जैसे ही नई नोटिफिकेशन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ, यूपीपीएससी लेवल तक बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें बताते रहते हैं, बट जब तक कोई पुख्ता न्यूज़ ना हो तब तक बताने कोई मतलब नहीं है। तो आप ये लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, जितनी भी न्यूज़, जैसे मान लीजिए केवीएस की न्यूज़ 2018 के बाद से अभी तक नहीं आई है, कोई भी वैकेंसी नहीं है, ना ही टीजीटी, ना ही पीजीटी, कुछ आया ही नहीं है, टीचर भर्ती आई नहीं है, टीआरटी आई नहीं है, तो एलटी ग्रेड भी, हाँ सॉरी एलटी ग्रेड तो रह जाएगा था, एलटी ग्रेड वैकेंसी कब तक आएगी? तो मैं डेली आपको, मैं सोच रहा था कि डेली मैं आपको अपडेट दे दिया करूँ कि एलटी ग्रेड का क्या सीन चल रहा है। एलटी ग्रेड बहुत सारे चैनल्स बता रहे थे कि हाँ अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, मार्च लास्ट तक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फाइनली क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि कब तक आ सकता है ये। तो एलटी ग्रेड उम्मीद सभी लोग लगा रहे हैं, मैं भी उम्मीद लगा रहा हूँ, जितनी बात हुई है उतनी ही बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा कोई बताने का मतलब है नहीं। तो एलटी ग्रेड के अकॉर्डिंग, जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जुलाई लास्ट तक, या हो सकता है कि इसको भी टीजीटी पीजीटी और शिक्षक भर्ती के साथ में मिक्स कर दें और एग्ज़ाम ये आपका 22 लास्ट में कराएं, दिसंबर में या नवंबर में करा लें, और रिज़ल्ट इलेक्शन ईयर में दें, है ना, इलेक्शन ईयर में आपको रिज़ल्ट दे दें। इलेक्शन ईयर में मान लीजिए अगर इन लोगों ने नवंबर में अपना फॉर्म निकाला तो 24 मई आसपास में आपका एग्ज़ाम करवाएंगे और फिर इलेक्शन से आपसे वोट ले लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिजल्ट में सभी के बारे में। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।